विधान में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यज्ञ विधान का नाम है, यज्ञ विधान चाहता है, वो विधि है और उसमें निषेध भी होता है। प्रार्थनाएं कैसे भी की जा सकती हैं, प्रार्थनाओं के लिए कभी भी कोई नियम नहीं है, जब चाहो तब प्रार्थना करो। आप कभी भी पुकारें उसे, कभी भी उसका आह्वान करें, उसमें मुहूर्त क्यों ढूंढ रहे हो, उसमें अग्नि स्थापन नहीं करना है, उसमें यह नहीं देखना है कि अग्नि का वास धरती में है या नहीं है। पर अगर यज्ञ कर रहे हैं तो यह विचार कर लीजिए कि उस दिन अग्नि का वास धरती में है ना, भद्रा तो नहीं है, रिक्ता तो नहीं है, मंदा तिथि तो नहीं है, सामग्री पूरी है ना, चुरु शाकल्य यव तिल घृत मधु औषधिया अग्नि अग्निकुंड ऋतविज होता आचार्य यजमान, इतनी सब चीजें चाहिए तब होगा यज्ञ। यज्ञ माने विधि व्यवस्था, प्रतिदिन का जो अग्निहोत्र कर रहे हैं वो करते रहना, जो आप प्रतिदिन अग्निहोत्र कर रहे हैं, अब यज्ञ कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, पर मेरा निवेदन यह था कि यज्ञ की सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ से जो धूम्र और धूम्र से जो ध्वनि स्पंदन तत्त देवताओं के द्वार जो थप थपाएंगे, उन्हें एक रसायन चाहिए अन्न की, अन्न से बूस्टअप मिलता हो, जो बूस्टअप है बूस्टर, वो जो एक और एक अधिक उनको और अधिक बल मिले, उन तरंगों को अंतरिक्ष में बिखरने के लिए, विकिरित होने के लिए वो सामग्री सही होनी चाहिए। उसमें घृत गौ का ही होना चाहिए, गौ घृत। उसमें यव की बात कही गई है, जौ तिल अक्षत औषधियां मंत्र, इसे मंत्र अशुद्ध नहीं बोले जाएंगे। देखो प्रार्थना कैसे करिए, कौन कहता है प्रार्थना कैसे करें, श्लोक बोलिए, प्रार्थना बोलिए, गीत गाइए, भजन गाइए, किसने मना किया, बोलते रहिए, भजन करते रहिए, जय श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय श्री राम, राधे कृष्ण सीताराम, जो मन में आए प्रार्थना बोलिए। पर मैं मंत्रों की बात कह रहा हूं, मंत्र ठीक उच्चारण करो उसका, मंत्रों का।